ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे सच्चे बरहक माबूद हकीकी, ऐ वाहिद बादशाह, ऐ वाहिद ला शरीक, तेरी इतनी तारीफ है कि इसे खुद तेरे से ज्यादा बयां करने की किसी में कोई ताकत नहीं। ऐ अल्लाह, तू माफ करने को पसंद फरमाता है, मैंने सबको माफ किया, बस तू मुझे माफ फरमा दे और मुझे दूसरों से हसद, जलन और बुगस से दूर फरमा दे। मैंने भी उसको माफ किया जिसने मुझ पर जुल्म किया और ज्यादती की। रोजे हशर कायम होने से पहले ही तू मुझे माफ फरमा दे और अपना फजल देकर दूसरों से बेपरवाह कर दे। मेरी पैदाइश से लेकर अब तक मुझ पर अपनी शान करीमी और शान रहीमी अता फरमाता रह, और अब से लेकर कब्र तक मुझ पर अपनी शान करीमी और शान रहीमी नाजिल फरमाते रहना, और मुझे कब्र का अजाब ना फरमाना, और दज्जाल के फितने के वक्त मुझ पर अपनी शान करीमी नाजिल फरमाते रहना, और हशर के दिन मुझ पर अपना साया रहमत रखना। पुल सरात से गुजरने से पहले मेरा नामाए अमाल मेरे दाहने हाथ में देना, उनकी अपने इज़्ज़त से जारी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नूर अता फरमाना, उनके अपने इज़्ज़त से जारी हमारे हक में शफात को मंजूर फरमाकर उनके कदमों के साथ दाखिले जन्नत फरमाना, उनका कुर्ब हमेशा के लिए अता फरमाना और जहन्नम के अजाब से बचाना। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम आप अल्लाह जल्ल शानहु का दीदार होगा, इसे बार बार मुस्तफीद फरमाना और कलामे इलाही से नवाजना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मगर मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता।